जैसे हम सब गेली है तनका देर होला ये पूजे लगली बस भरभरा के एकदम से पूरा गिर गेले मंदिर के। हां नमस्कार, मैं मनमीश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देव पूजन के दौरान मंदिर के पाया ढहने से दर्जनों महिलाएं और बच्चे जो है वह घायल हो गए हैं, जिनका मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ की आज देर शाम कोई महिला जो है वह देव पूजन करने मंदिर में पहुंची थी। इसी दौरान मंदिर का पाया ढह गया, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मंदिर का पाया, चारों पाया जो है वह ढह गया, जिसमें दर्जनों महिला और बच्चे जो है वह गंभीर रूप से घायल है, जिनका मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रही हैं प्रत्यक्षी महिलाएं, पहले आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था? देवता पूजे गेल रही, लड़की के शादी रहा। लड़की की शादी थी हमरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमरा अनीता देवी नाम। कहाँ गए थे देवता पूजे करने? बौधी देवी था। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ से? जैसे हम सब गेली है तनका देर होला ये पूजे लगली बस भरभरा के एकदम से पूरा गिर गेले मंदिर के। हां, कैसे गिरा पता चला? ना, डीजे के आवाज से गिरा था क्या? ना पता, लेकिन बाजा गेल रहले। कितना लोग इसमें दब गए थे? 5-6 आदमी पूरा में दब गेले ईंटा के तार में। सब का क्या हालत है? सबकी केकरो माथा फटल है, केकरो गोर टूटल है, केकरो बौधी देवी की। क्या नाम है? कौन सी जगह पर घटना है, कौन सा जगह है वो? बौधी देवी कहै छी लोग, मेडिकल है। अच्छा, मेडिकल के नजदीक। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। 7-8 गोटा है। एगो दू घर कहाँ हुआ आपका? लड़का का शादी था कि लड़की का? जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर गंभीर महिलाएं और प्रत्यक्षदर्शी महिला जो है वह क्या कुछ कह रही थी, वहीं आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के एसएसबी कैंप के पास स्थित एक मंदिर की है, जहां आज देर शाम शादी समारोह को लेकर महिला जो है लड़की को लेकर देव पूजन करने एक इसी मंदिर में पहुंची थी, जिस दौरान देव पूजन पूजा के दौरान जो है मंदिर अचानक ढह के गिर गया, जिसका चारों पाया जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और इस घटना में दर्जनों महिलाएं और बच्चे जो है वह बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिनका मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।